हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड विथ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड प्रोटीन्स, फूड पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग इन द ह्यूमन बीइंग विथ हेल्प ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ heart. Okay, so today we will talk about transportation of food and water in plants. First of all, we all know ki plants have a specific tissue for the transport of food and water. Okay, mainly jo water or minerals ka transportation hota hai wo hota hai with help of tissue which is called xylem. ये जो जाइलम टिश्यू है ये बनी होती है अलग अलग सेल्स से, जिसमें वेसल एलिमेंट जो है इनका फंक्शन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फाइबर सेल जो है उसका फंक्शन है टिश्यू को सपोर्ट करना, ट्रेकेड्स है वो सपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों में हेल्प करते हैं. तो ऐसे ये जो सेल्स है ये कंबाइन होके जाइलम टिश्यू फॉर्म करते हैं, और ये जाइलम टिश्यू प्लांट के अंदर वाटर जो है उसको रूट से, एज यू कैन सी वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होगा, रूट से एब्जॉर्ब होके वो ट्रैवल होगा प्लांट के अंदर, और प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स है आप देख सकते हैं लीफ और एकदम जो टॉप पार्ट है ओके वहाँ तक वो ट्रैवल करके पहुँचेगा. ओके, अभी ये जो लीफ है, यू ऑल नो कि लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. सॉरी, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस, लेट मी चेंज द कलर. स्टोमेटा जो होता है ओके, तो ये स्टोमेटा जो है इसके अंदर क्या होता है प्लांट के अंदर, वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर. स्टोमेटा जो है इट इज़ इफ इट इज़ ओपन, अगर उसका पोर जो है वो ओपन है तो वाटर वहाँ से इवेपरेट होगा लीफ की सरफेस से और एटमोसफियर में जाएगा, और ये जो प्रोसेस हुई दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ओके, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, प्लांट के आसपास जो भी एटमोसफियर है वो कूल होता है, बिकॉज वाटर जो है वो इवेपरेट होके ट्रांसपीरेट होके एटमोसफियर में रिलीज होता है. ओके, तो बैक टू आवर जाइलम थियोरी, इट ट्रांसपोर्ट फूड सॉरी वाटर एंड मिनरल्स ओके फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकेड्स, दिस टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फाइबर सेल्स जो है वो सपोर्ट के लिए है ओके, और वाटर और मिनरल्स जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से रूट में एंटर होते हैं. अभी ये वर्ड जो है वो आपने पहले भी आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आप इस वर्ड के कांटेक्ट में आए होंगे, फैमिलियर होंगे. डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली जो सेल वॉल या तो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके आर पार कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की उसे डिफ्यूजन कहा जाता है. तो एज वी ऑल नो कि वाटर जो है वो रूट से एंटर होता है थ्रू द डिफ्यूजन, और ट्रांसपीरेशन से क्या होगा उसे एक सक्शन फोर्स जो है वो प्रोवाइड होगा जिससे वाटर है वो अपवर्ड मूव करेगा. दैट मीन्स जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ से डिफ्यूजन वाटर को पुश कर रहा है अपवर्ड जाने के लिए, और यहाँ से जो वाटर रिलीज हो रहा है वो वैकेंट स्पेस क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा नेक्स्ट सेल में से वो वाटर सक करेगा नेक्स्ट, ऐसे ये पूरा जो कॉलम फॉर्म होगा जिससे वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा पुल होगा, और इस पुल एंड पुश मूवमेंट की वजह से वाटर जो है और मिनरल्स है वो टॉप तक पहुंच पाएंगे और पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे. इस फोर्स को सक्शन फोर्स भी कहा जाता है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू. अभी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की. ओके, फूड जो है वो
दूसरी टिश्यू से ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स के अंदर, उसके लिए फ्लोएम नाम की जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होती है। वो फूड जो है उसको लीफ से अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। सी वी ऑल नो कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, और ये क्लोरोफिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में। तो फूड जो लीफ के अंदर प्रिपेयर हुआ वो रूट्स ब्रांचेस ट्रंक ये सब पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ओके तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन है उसमें जो फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द सीव ट्यूब, ओके विच इज़ प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड, एंड दिस इज कंपेनियन सेल विच आर प्रेजेंट फॉर द सपोर्ट। ओके ओके गेट बैक टू थियोरी। जब ये फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द लीफ टू द होल बॉडी, तो उसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, इसीलिए इट रिक्वायर एनर्जी, और ये एनर्जी जो है उसे मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी मॉलिक्यूल विल प्रोवाइड द एनर्जी, एंड ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसमें भी यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है जब दो मीडियम के बीच में, तो ऑलवेज जो वाटर है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमें डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में आ सकता है, गिव डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको क्विकली मैं रिवाइज करवा दूँ, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को कैरी करेगा फ्रॉम द, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, ये फूड को ट्रांसफ़र करेगा। योर सेकेंड पॉइंट विल बी जाइलम विल वर्क फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड ऑल पार्ट्स, एंड दिस विल वर्क फ्रॉम लीफ टू द root and all body parts. This is your second point. Your third point will be the components. Okay, xylem के अंदर जो components present होते हैं उसको आप phloem के components से compare कर सकते हैं। तो this is very simple and important topic. I hope that is clear to you. तो इस topic के साथ हमारा जो transportation का कंसेप्ट था, ये ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरा हमारा लाइफ प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सक्रिएशन की प्रोसेस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।